हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सीधा तथा प्रतिलोम समानुपात, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इस टॉपिक को लेकर मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि आज का ये कंटेंट आप सभी को बिल्कुल पसंद आने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है और इस टॉपिक का आज हम लोग करेंगे फुल ऑपरेशन। इतना इजी तरीके से बारीकी से बताने वाला हूं कि मजा आने वाला है आप सभी को। आज की इस क्लास से बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीधा समानुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। जब ये हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा को यहां देखते हैं, फिर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा ब्रेन में एडजस्ट कर देंगे हमेशा के लिए। तो देखिए, सीधा अनुपात, इसको हम एक नजर डालते हैं कि कहता क्या है। ध्यान से देखिएगा कि यदि एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़े। ध्यान से देखिएगा, यदि एक राशि को बढ़ाने पर यानी एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि जो है एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अनुपात में बढ़ेगा, या एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि एक निश्चित अनुपात में घटेगा यानी घटे, तो दोनों राशियां सीधा अनुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या अनुक्रम विचरण। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अनुक्रम विचरण भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डायरेक्ट वेरिएशन। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि एक राशि का मान अगर बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान जो है निश्चित अनुपात में बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो उसका दूसरी राशि में भी अनुपात में लेकिन मान बढ़ेगा, जब एक राशि में मान घटेगा तो उसका दूसरी राशि का भी जो अनुपात होगा वह निश्चित अनुपात में जो होगा घटेगा। यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। यही मेन चीज है कि एक राशि का मान अगर बढ़ेगा तो दूसरी राशि एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा, और एक राशि का मान जब घटेगा तो दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में घटेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सीधा समानुपात। नहीं समझे, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कहेगा वाह सर, मजा आ गया, कभी नहीं भूलने वाले हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यदि एक पेंसिल, ध्यान से देखिएगा, यदि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है, ध्यान से देखिएगा, यदि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है तो आप बताइए कि दो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर दो पेंसिल का मूल्य जो है वह 10 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो तीन पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर तीन पेंसिल का 15 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक पेंसिल का दाम 5 है तो 2 का 10 रुपया होगा, तीन पेंसिल का 5 से 15 रुपया होगा। उसी तरीके से अगर पूछ दिया जाए कि 10 पेंसिल का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 50 रुपया होगा। कितना होगा? 50 रुपया। ये बात तो क्लियर है ना। तब इसमें ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत। इसमें दो राशियां, हमने बार बार यहां पर बोले थे कि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का, इसमें दो राशियां होता है। जब भी अनुपात आप निकालेंगे समानुपात, उसमें दो राशि की जरूरी पड़ती है। इसमें भी दो राशियां, एग्जाम्पल में एक क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक जो है दो राशियां है, इसमें दो राशियां है। क्या क्या बताते हैं ध्यान से देखिएगा, एक इसमें जो होगा वह पेंसिलों की संख्या है ना, यह है पेंसिलों की संख्या, जिसको हम लोग जो है मान लेंगे, मान लीजिए x, ठीक है, x एक चर है। और देखिए दूसरा होगा
पेंसिलों का मूल्य, इसमें दो बातें आ रही है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो बातें आ रही है। एक तो आ रही है पेंसिल की संख्या, कितना पेंसिल, और जैसे ही पेंसिल की संख्या की बात होगा तो पेंसिल का मूल्य। देखिए इसमें एक है पेंसिल की संख्या, एक है, दो है, तीन है, और इधर जो है उसका मूल्य है पांच, दस, पंद्रह, बीस। इसमें दो राशियां होती है, तो इसमें दो राशियां को हम लोग एक्स और वाई से डिनोट किए। अब इसको हम लोग ने एक टेबल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेन यही है, एक सारणी के द्वारा समझते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो रहेगा टेबल के फॉर्म में ही ज्यादा रहेगा और आपको बेहतर तरीका से टेबल को ही समझिएगा। देखिए इसमें एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ गया क्या कि वाह सर मजा आ गया एकदम, देखिएगा ध्यान से। इस तरीके का हम लोग जो है टेबल बना लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके का टेबल बना लेंगे, है ना। अब देखिए इसमें ध्यान से, इसमें मान लीजिए कि हम ले लिए हैं x, यानी इसमें पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, यानी पेंसिलों की संख्या यानी कि क्या है ये x, और दूसरे वाले में होगा पेंसिलों का मूल्य, पेंसिलों का मूल्य जिसको हम लोग यहां पे y लिए, क्या लिया है, ये y है, ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग भरते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको भरेंगे, पेंसिलों की संख्या, पेंसिल कितना था, पहले बार में एक पेंसिल था तो उसका मूल्य कितना था, पांच था। क्लियर समझ में आ रहा है ना, जब दो पेंसिल है तो मूल्य आपका दस था, जब तीन पेंसिल था मूल्य आपका पंद्रह था, नहीं, और ये डॉट डॉट छोड़ दिया जा, और जब पेंसिल दस किए थे तो इसका मूल्य कितना हो गया था, देखिए यहाँ पे पचास। ये कैसे फिल किया, आपको क्लियर समझ में आ रहा ना, एक पेंसिल है तो उसका मूल्य पांच रुपया, दो पेंसिल है तो दस, तीन पेंसिल का पंद्रह हो जाएगा, ये पेंसिल दस है तो उसका मूल्य पचास रुपया हो जाएगा। अब ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए आप कमेंट करके बताइए, सिर्फ कमेंट करके आप बताइए अभी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो हमने क्वेश्चन दिया है ये समानुपात है या नहीं, ये समानुपात में है या नहीं है, सिर्फ ये कमेंट करके जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि भाई कैसे डिसाइड करेंगे कि यह समानुपात है कि नहीं। तो हमने लिखा था कि एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़े, यही मेन चीज, एक निश्चित अनुपात में, अनुपात में बढ़ना चाहिए, तो इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। देखिए इसमें हम लोग अनुपात, तो अनुपात जो होगा तो कैसे होगा, तो एक्स और बटे में वाई, एक्स बटे वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा एक बटे पांच, एक्स हमारा एक और वाई पांच। अब इसमें अनुपात करेंगे तो आ जाएगा दो बटे दस, जिसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा एक बटे पांच, यानी दो एकम दो और दो पंचे दस, इसको जब अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स बटे वाई का अनुपात निकालना, तो हो जाएगा तीन बटे पंद्रह, इसको भी जब काटेंगे तो तीन एकम तीन और तीन पचे पंद्रह, ये भी आ गए एक बटे पांच, ठीक है। और उस तरीके से इसका निकालेंगे तो दस बटे पचास, इसको भी जब काटेंगे तो दस एकम दस और दस पचे पचास। अब देखिए ध्यान से, अब आपका क्लियर हो गया कि जब ये क्वेश्चन का जब हम अनुपात निकाले तो हर बार सेम अनुपात निकलता है, एक बटे पांच, एक बटे पांच, एक बटे पांच, एक बटे पांच, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो यही ये निश्चित तौर पे यह अनुपात जो है या क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि यह सीधा समानुपाती है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि इसमें एक बटा पांच जो है, इसको ध्यान से अभी इधर मैं लिखता हूं, ये एक बटा एक्स बटा वाई बराबर एक बटा पांच जो है, इसको एक बटा पांच को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं स्थिरांक, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, स्थिरांक, बहुत कम बच्चों को पता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, यानी स्थिरांक।
और एक चीज ध्यान दीजिएगा और कि x बटे y को आप अनुपात जो है y बटा x में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप y बटा x में भी निकाल सकते हैं, तब इसका स्थिरांक हो जाएगा 5, यानी कि 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे एक ही सीख मिला कि यदि दो राशियां, यदि दो राशियां का अनुपात एक निश्चित मान में हो तो दोनों राशियां को हम लोग कहेंगे कि यह डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको मैं लिख देता हूं, अतः थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, अतः दो राशियां x तथा y सीधा समानुपात या अनुपात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा अनुपात या अनुक्रम विचरण कही जाती है यदि x और y का अनुपात एक निश्चित मान में हो, एक निश्चित मान में हो, तभी हम लोग कहेंगे कि यह दोनों राशियां जो है वह जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि सीधा समानुपात है, या फिर डायरेक्ट वेरिएशन भी इसको कह सकते हैं। तो आई होप कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कतें है अगर समझने में, तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहां पे मुझे क्लियर या समझ में नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सीधा समानुपात क्या होता है। बस सिंपल सा फंडा है, इस तरीके को देखना है, यदि दोनों का अनुपात x बटे y निकालिए या y बटे x निकालिए, हर बार जब इक्वल आता है नहीं तो हम कह सकते हैं कि यह सीधा समानुपात है। तो इसमें देखिए कि ध्यान से कि ज्यों ज्यों देखिएगा एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का भी मान जो है वह बढ़ता है, ठीक है ना। और आप इसको घटने के केस में भी बना सकते थे, यानी पहले 10/50, फिर आप 3/15, फिर 2/10 और लास्ट में 1/5, क्योंकि यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि यदि एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़े या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि का अनुपात जो है एक निश्चित मान में घटे तो हम कह सकते हैं कि सीधा अनुपात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, क्योंकि हम लोग सीधा समानुपात समझ गया, अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिलोम समानुपात किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रतिलोम समानुपात जिसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं उसको समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए यदि एक राशि के बढ़ने पर, परिभाषा पर ध्यान देते हैं, यदि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि निश्चित अनुपात में घटे, देखिए ध्यान से, हमने सीधा समानुपात में क्या बताए थे कि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का भी मान क्या होता है निश्चित अनुपात में बढ़ता है, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा, तो वो हो जाएगा क्या सीधा। और प्रतिलोम में उल्टा याद रखेंगे, जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान एक निश्चित अनुपात में घटेगा, यानी वहां पर रहे थे कि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि उल्टा है। तो याद रखेंगे कि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान घटेगा, ठीक है ना। यहां तक देखिए कि यदि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि निश्चित अनुपात में घटे या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि निश्चित अनुपात में बढ़े, यहां उल्टा हो रहा है, यानी राशि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक राशि घटेगा तो दूसरी राशि बढ़ेगा। क्लियर समझ में आ गया ना, दोनों में डिफरेंस अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताने कि यस सर दोनों का डिफरेंस जो है मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। तो ऐसे अनुपात को हम लोग प्रतिलोम अनुपात, जिसको इंग्लिश में इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं,
या फिर इसको दो नाम से जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, क्रमानुपाती विचरण जिसको इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, ठीक है ना, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है, क्योंकि एक टेबल से समझते, एक सारणी से समझते, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे उसमें समझ गए थे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि एक व्यक्ति, किसी काम को 8 घंटा में पूरा करता है, ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा करता है, यानी एक आदमी कोई काम है उसको 8 घंटा में पूरा करते हैं, तो हम बताते हैं कि यदि 2 व्यक्ति हो जाए तो उस काम को कितना कहेंगे, सर 2 आदमी, आप कहेंगे कि 2 आदमी तो सर रहेगा तो जल्दी काम हो जाएगा, जो जो आदमी की संख्या बढ़ेगा टाइम कम लगेगा। आपको भी पता है कि कोई काम को 5 आदमी मिलकर कर रहा है, कोई काम को 10 आदमी मिलकर कर रहा है, तो पहले कौन फिनिश करेगा, तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है 10 आदमी वाला जल्दी कर लेगा। तो जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा वैसे टाइम कम जाएगा, तो एक आदमी को जब 8 घंटा लगता है तो 2 आदमी मिलकर इसको 4 घंटा में कर देगा, है कि नहीं, 4 घंटा में ना हो जाएगा, 2 आदमी 4 घंटा में पूरा करेगा, है कि नहीं। अगर हम कहें कि 4 व्यक्ति अगर इस काम को करे, 4 आदमी और बढ़ गया, कहेंगे सर आप 2 ही घंटा में पूरा कर दे, है ना, 2 ही घंटा में हो जाएगा। और बोले कि यदि 8 व्यक्ति इस काम को करे, 8 आदमी मिलकर के, तो 1 घंटा में काम पूरा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इस बात को समझिए, एक आदमी को 8 घंटा टाइम लगता है, तो आदमी 2 आदमी जब मिलकर करेगा तो 4 घंटा में ही कर देगा, जब 4 आदमी मिलकर काम करेगा तो 2 घंटा में ही खत्म, जब 8 व्यक्ति मिलकर काम करेगा तो 1 घंटा में पूरा काम जो है वह क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि इसमें 2 राशियां होती है, इसमें भी 2 राशि है, एक क्या है कि व्यक्तियों की संख्या, इसमें भी यहां भी 2 राशियां है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, आज के बाद कभी नहीं फंसेगा, यहां भी 2 राशियां है, एक क्या है व्यक्तियों की संख्या, इसको हम लोग यहां पर x से डिनोट करेंगे, वहां पर भी किए थे, और दूसरा क्या है काम करने का समय, काम करने में लगा समय यानी टाइम, इसको हम लोग y मानते हैं, इसमें भी 2 राशि है, एक x और एक y, यानी व्यक्ति की संख्या को x माने और काम करने वाले, काम करने में जो टाइम लगा है ना, टाइम समय को y मान ले। अब इसको हम एक टेबल द्वारा बनाते हैं और पता करते हैं कि यह जो है प्रतिलोम समानुपाती है कि नहीं, इसको चलिए एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे उसमें भी सारणी थे, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो है टेबल के फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा नीचा कर लीजिए, आपको एक टेबल के फॉर्म में ही क्वेश्चन आपको रहता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जो है और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए है ना, चलिए अब हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे, एक टेबल के द्वारा बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर तो हम लोग लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, यानी कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x हो गया, और दूसरा में क्या है काम करने में लगा समय, लगा समय, समझ लीजिए समय, यानी ये आपका क्या है y है। अब देखिए, एक व्यक्ति था तो कितना टाइम लग रहा था 8, जो 2 व्यक्ति था तो 4 घंटा में फिनिश किया, व्यक्ति जब 4 था तो 2 घंटा में, और व्यक्ति जब 8 हो गया तो 1 घंटा में फिनिश हो गया, 1 घंटा में आपका काम खत्म हो गया था, है ना।
उसमें क्या करते थे कि सबका अनुपात को चेक करते थे, सबका क्या करते थे अनुपात को चेक करते थे, प्रतिलोम में अनुपात चेक नहीं करना। इसमें ध्यान से देखिए, एक्स गुने वाई को चेक करना है, एक्स गुने वाई, एक्स और वाई को गुना करेंगे, इसको 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 इसको, यदि सब आपस में इक्वल अगर हुआ तो ही यह प्रतिलोम समानुपात कहा जाएगा। उसमें क्या करते थे कि एक्स बटा वाई निकालते थे, और जब प्रत्येक स्थिति में सेम मान आता था, पिछले क्वेश्चन में हम लोग जब अनुपात निकाले थे तो एक्स बटे वाई निकालते थे, तो वहां एक बटे पांच, एक बटे पांच, एक बटे पांच आता था, तो वह क्या था, सीधा अनुपात था। अगर कहीं पे एक बटा पांच नहीं आकर एक बटा तीन आ जाता, यानी हर बार सेम अनुपात नहीं आता, तो वह अनुपात होता ही नहीं। लेकिन इसमें क्या करना है, अनुपात नहीं निकालना है, एक्स और वाई को गुना करना। जैसे देखिए यहां पर होगा एक गुने आठ बराबर हो गया आठ। अब यहां पे देखिए एक्स कितना है दो, और यहां पे वाई है चार, तो दो गुने चार बराबर आठ। यहां पे देखिए एक्स है चार गुने दो बराबर आठ, और यहां पे आठ गुने एक बराबर आठ। अब देखिए ध्यान से कि प्रत्येक स्थिति में आठ 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 ही आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यानी एक्स गुने वाई कितना आ रहा है, आठ आ रहा है, और प्रत्येक स्थिति में आ रहा है। तो यह हर हाल में इस टेबल को, इस एग्जाम्पल को, चाहे इस तरीके का कोई सारणी हो और आपको चेक करना पड़े कि कौन सा इसमें प्रतिलोम समानुपात है और कौन सा सीधा अनुपात है, तो आप इजीली बना सकते हैं, मजा आया होगा आपको। तो इसमें क्या करना है, प्रतिलोम में गुना चेक करना है, और उसमें क्या करना था, बटा अनुपात निकालते थे, उसमें एक्स बटे वाई, उसमें हम लोग एक्स बटे वाई का मान जो एक बटा पांच आया था उसको स्थिरांक कहते थे, इसमें भी हम आठ को क्या बोलेंगे, स्थिरांक, स्थिरांक इसको भी कहेंगे, यह स्थिरांक कहलाता है, किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का, इनवर्स वेरिएशन कर लीजिए या फिर प्रोपोर्शन कर लीजिए, इसका स्थिरांक जो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, क्योंकि यह एक स्थिर है, हर बार आठ ही आता है, निश्चित है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है इनवर्स प्रोपोर्शन कांस्टेंट भी कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस आठ को कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि अतः दो एक्स और वाई या एक्स तथा वाई दो ऐसी राशियां जिसका एक्स गुने वाई का मान एक निश्चित मान में हो, तब हम उसको बोलेंगे प्रतिलोम समानुपात, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको समझ में आया कि नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद जो है आप लोग जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में कभी नहीं मिस करोगे, कभी नहीं भूलोगे, भूलोगे या नहीं कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, और ऐसे ही मैथ का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है मैथ का जो मेन मेन टॉपिक होता है, टॉपिक वाला ये चैनल है, उसको डिस्कस करता हूँ, ताकि आपका मैथ का जो बेस है वो मजबूत हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ के साथ, बाय।